दोस्तों आज हमारा क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? गिरते हुए क्रम में, मीन जैसे 12 के बाद 11, 11, 10, 9, तो ये क्या गिर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब पहले बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। लेकिन यहाँ तो हमारा क्या है, 8/25 है, 7/3 है, 4/25 है, 13/75 है और 6/5 है, ये फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन को जब भी हमें देखना होता है तो हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर जो हमारे होते हैं इनको क्या करना है, एलसीएम लेके इक्वल करना होता है, इक्वल करना होता है। तो इक्वल कैसे होंगे, एलसीएम लेके। अब देखो पहले अगर हम एलसीएम लेंगे 15, 3, 24, 75 और 5 का, तो पहले 3 से देंगे, 3 5 15, 3 1 3 25 में जाता नहीं, 25 3 75 और 5 में जाता नहीं। अब 5 से देंगे, 5 1 5, 5 5 25, 5 5 25, 5 5 1 5, तो 3 5 15 और 5 9 75 कितना आ रहा। अब हमारा एलसीएम आ गया 75। मतलब एलसीएम का मतलब होता है कि हमने सबके डिनोमिनेटर को कितना कर दिया, 75 कर दिया। सबके डिनोमिनेटर हमने क्या कर दिया, 75 के इक्वल कर दिया। अब पहला वाला फ्रैक्शन देखो, ये 8/15, अब डिनोमिनेटर 75 हो, तो इसके 15 का टेबल बोलो 75 का, 15 5 जा और इंट हो जाएगा 8। तो पहला फ्रैक्शन 8 5 5 8 जाए कितना होता, 40/75 हो जाएगा, ठीक है। अब भाई दूसरा, अब ये और इसका डिनोमिनेटर भी 75 है क्योंकि हमने लिया है। अब कितना होता, 3 की टेबल 20 75 तक बोलेंगे तो 25 टाइम जाते, 25 × 7 मल्टीप्लाई करो, 7 5 जाए 35, 7 2 जाए 14 और 3 15 16 17, 175/75 ये हो गया दूसरा, ठीक है। तीसरा भी देखो, क्योंकि डिनोमिनेटर भाई हमने सबका क्या ले रखा है, 75 ले रखा। अब तीसरा 25 का 75 का क्या बोलना, टेबल बोलनी, 3 टाइम जाती है × 4, तो क्या हो जाएगा, 12/75, ठीक है। अब चौथा फ्रैक्शन देखो, इसका भी डिनोमिनेटर 75 है। अब ये 75 से 75 दो दोगे तो 1 आएगा × 13, तो 13/75, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसका भी डिनोमिनेटर हमारा क्या, 75 है। अब 5 की टेबल बोलो, तो 5 की टेबल अगर 75 तक बोलेंगे आप तो कितने टाइम जाएगी, 15 15 टाइम जाएगी × 6, और 15 6 जाए कितना होता, 6 5 जाए 30, 6 1 जाए 6 और 3 90 होता ये। तो अब हमारे सारे के आ गए। अब देखो सबसे छोटा, अब हमारे डिनोमिनेटर सेम है तो हमें न्यूमिनेटर देखना कि सबसे बड़ा न्यूमिनेटर किसका आ रहा है। यहाँ 40 175, 12 13 90, तो 175 सबसे बड़ा आ रहा है, इट मीन्स ये सबसे बड़ा है 70 ये। फिर 90 आ रहा, तो 90/75, फिर कितना आ रहा, 40 12 13, तो 40 आ रहा, तो ये सब हो गया 75। फिर कितना आ रहा, 13 आ रहा, तो 13/75, फिर कितना आ रहा, 12। तो ये हमारा क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। लेकिन हमारे नंबर्स तो ये थे, तो हमने देखना कि 175 किसके लिए आया था, 7/3 के लिए आ रहा था, आ रहा कि नहीं आ रहा। दूसरा हम देखेंगे 90 ले रहे हम, 90 लास्ट वाले के लिए 6/5, तो ये सब दूसरे नंबर पे छोटा ही है। फिर हमारा कितना है 40, तो 40 क्या फर्स्ट वाले के लिए, 8/15 के लिए आ रहा, ठीक है। तीसरे नंबर 13 13, हमारा सेकेंड लास्ट है, मीन 13/75, और लास्ट में हमारा कितना आ रहा है, 12/12 किसके लिए, हाँ थर्ड वाले के लिए, तो 4/25, तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर।